नमस्कार साथियों, संगठन की नई संरचना के बाद मैं पहली बार आप लोगों से मिल रहा हूं। कुछ समस्याएं हैं, मीडिया में कुछ खबरें आई हैं, उन पर पार्टी का क्या दृष्टिकोण है ये हम आप लोगों के समक्ष रखना चाहते हैं। विनोद राय, पूर्व सीएजी प्रमुख, उनकी पुस्तक से खुलासा हुआ है कि खास तौर से CWG और कोयला घोटाले में संलिप्त तत्कालीन यूपीए सरकार के कुछ बड़े नेताओं के जो नाम आए थे, तो उस संदर्भ में कांग्रेस के कई नेताओं का उनके ऊपर दबाव बना था, संबंधित लोगों के नाम को हटाने के लिए। हम लोग पहले से ही कहते थे उन दिनों की यूपीए सरकार न केवल संवैधानिक संस्थाओं का दुरुपयोग कर रही है बल्कि उन पर उनका भारी दबाव भी रहता है। आज वो बात सत्यापित हो रही है। वैसे यूपीए सरकार में तत्कालीन कानून मंत्री द्वारा प्रधानमंत्री को बचाने के लिए CBI के रिपोर्ट को भी बदलने का प्रयास किया गया था, या ये कह लीजिए बदला भी गया रहा होगा। आज वो सब बातें सत्यापित हो रही हैं। हम कांग्रेस पार्टी से यह जानना चाहेंगे कि पूर्व CAG प्रमुख विनोद राय के ऊपर जो लोग दबाव डाल रहे थे उनके नामों का खुलासा करें। कौन ऐसे लोग थे जो विनोद राय से संपर्क किए, उनके घर पर गए या उन पर दबाव बनाए? साथियों, एक और इशू है, एक मीडिया में यह दिखलाया गया कि कश्मीर के अलगाववादी नेता यासीन मलिक ने यह स्पष्ट किया है कि 2006 में तत्कालीन प्रधानमंत्री श्री मनमोहन सिंह से उनकी मुलाकात हुई थी और उस मुलाकात में श्री मनमोहन सिंह जी द्वारा यह उससे अपेक्षा की गई थी कि वो आतंकियों और उनके सरगनाओं से संपर्क करें, उनसे बातचीत करें और भारत के शांति अभियान को आगे बढ़ाए। यह कितना दुर्भाग्यपूर्ण था कि देश के प्रधानमंत्री ने अलगाववादी लोगों को शांति मिशन में इस तरह से शामिल किया। कांग्रेस पार्टी का एक तरह से चेहरा बेनकाब होता है यासीन मलिक के इस बयान से।
और एक इशू इससे अलग उत्तर प्रदेश की है। उत्तर प्रदेश में जंगल राज है, जान माल की कोई सुरक्षा नहीं है, बहु बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, बलात्कार हो रहे हैं, रेप हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश इकाई इस संदर्भ में उत्तर प्रदेश में ये बढ़ती हुई घटनाओं से चिंतित है और उत्तर प्रदेश में इस तरह के जंगल राज को ख़त्म करने के लिए, बहु बेटियों की इज्जत को सुरक्षित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी सड़कों पर संघर्ष करेगी। जिस तरह से तमाम उत्तर प्रदेश में दंगे फसाद हुए हैं, अपराध का जो ग्राफ बढ़ा है, यह हमारी पार्टी को यह सोचने के लिए मजबूर किया है।